तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे गुल्लक वेब सीरीज के बारे में। इसके टोटल 3 सीजन अब तक आ चुके हैं और इसके जब 3rd सीजन आया तो मुझे लगा यार इसके अंदर कुछ तो खास होगा जिसके 3 सीजन आ चुके हैं, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना इस वेब सीरीज को देखा जाए और मैंने इसके एक साथ 3ों सीजन देख लिए। हाँ, कोई तीर नहीं मारा है, बस बता रहा हूँ। चलिए इस सीरीज की कहानी की चर्चा करते हैं, कहानी के बजाय कहें तो इसके किस्सों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि जैसा इस सीरीज की शुरुआत होती है और यहाँ पर बताया जाता है कि इसमें कहानी नहीं है, किस्से हैं जो हर घर में आपको देखने को मिलते हैं। माता पिता की जब लड़ाई होती है तो उनकी जो नोक झोंक होती है वो जिस तरीके की इसमें दिखाई गई है, कहीं ना कहीं देख कर लगता है कि यार ये चीज़ें तो हमारे घर में भी होती हैं। दो भाइयों की आपस में नोक झोंक, आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ देना, लड़ाइयाँ कर देना, एक दूसरे को मारना, ये चीज़ें देख कर लगता है कि यार ये चीज़ें तो हमने बहुत बार देखी हुई हैं। यानी इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो हमें बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। और इस पति पत्नी की जब नोक झोंक होती है, उनके बीच में जो होती है, फिर उनके बाद की जो सुलह दिखाई गई है, ये सारा कुछ हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं अपने घर के अंदर। और जब उनकी जब लड़ाई होती है फिर बाद में जो सुलह होती है, तो ये सब चीजें हमारे दिखाई गई हैं कि देखो भाई ये दोनों मियां बीवी जो हैं वो लड़ाई कर सकते हैं लेकिन ज्यादा देर तक रूठ नहीं सकते। और यहां पर इस सीरीज के अंदर ये जो मियां बीवी है, ये जिनकी जो माता पिता इसके अंदर दिखाए गए हैं, एक संतोष मिश्रा जिसको प्ले किया है जमील खान ने, और जो पत्नी है उसका नाम है शांति मिश्रा जिसको प्ले किया गया है गीतांजलि कुलकर्णी के द्वारा, और इनके दो बेटे हैं, एक अनु मिश्रा और एक अमन मिश्रा। जो संतोष मिश्रा वो इलेक्ट्रिकल विभाग के अंदर यानी गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो हैं, लेकिन वो एक ईमानदारी की लाइफ इसके अंदर जी रहे हैं, पर ये ईमानदारी की लाइफ कभी कभी काफी ज्यादा भारी भी पड़ जाती है। उनके बच्चे कहते रहते हैं कि पिताजी ले लो ना आप थोड़ा सी रिश्वत ले लो तो शायद घर की मरम्मत हो जाए यहां पर, क्योंकि जैसा है फर्स्ट सीरीज की शुरुआत में जो इनके घर की हालत दिखाई जाती है वो बहुत ज्यादा खस्ता होती है। साथ ही साथ जो पड़ोसी इसमें दिखाए गए हैं वो टोंट मारते हुए दिखाते हैं कि अरे आपने आपका घर नहीं बनाया, आपका बच्चा ये कर रहा था, आपका बच्चा वो कर रहा था। ये सारी चुगली जो हम देखते आ रहे हैं कि यार ये अभी कुछ ना कुछ बोल देगी साथ वाली आंटी या साथ वाले पड़ोसी आकर, वो सारी बातें इसमें बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि यार कैसे इन्होंने इसको कैच किया होगा, जो बहुत हूबहू वो इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। संतोष मिश्रा और शांति मिश्रा कैसे अपने घर को चलाते हैं, कैसे इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर इनके जो दो बच्चे हैं जिसमें अनु मिश्रा जो अपने आप को कामयाब करना चाहता है, अपने माँ बाप को गर्व फील करवाना चाहता है, और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के जो उस लेवल को जो उसमें मिडिल परिवार का जैसे इसमें दिखाया गया उसको ऊपर उठाना चाहता है, और वो बहुत मेहनत भी करता हुआ हमें दिखता है। खैर मेहनत कहूँ क्या उसको, मैं खैर यहाँ पर जैसे उसकी इंटेंशन है उसको कोई गलत लत नहीं है, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि उसके परिवार में खुशियाँ आए और वहाँ पर उसके जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाए, ये वो मेहनत करता हुआ हमें दिखता है। लेकिन बहुत कामयाबी मतलब कि बहुत मेहनत के बाद इसको कामयाबी नहीं मिलती, फिर वो इमोशनल हो जाना, आपस में लड़ाइयाँ होना परिवार के अंदर ही, ये सारी जब चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं तो हम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दो भाइयों के बीच में जब टकरार होती है लेकिन बाद में जब एक दूसरे के साथ वो बैठते हैं बात करते हैं एक दूसरे की, जैसे अंडरस्टैंडिंग इसमें दिखाई जाती है, वो देख कर हम बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। और इस परिवार का सबसे छोटा बेटा श्यामन मिश्रा, सच कहूँ मुझे ये करेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि जिस तरीके की ये बातें करता है, चुगली करता है, या फिर जिसके साथ ये वो होता है ना कि कोई सामने आपसे कोई सवाल पूछ रहा है उसमें हाजिर जवाबी आपको देना होता है, इसकी हाजिर जवाबी बहुत कमाल की होती है। मतलब ये बात को एंड नहीं होने देगा, अपनी तरफ से हार नहीं मानेगा, दूसरे के ऊपर पलड़े में डाल देगा, भाई तू ऐसा है। बहुत बढ़िया लगा मुझे ये करैक्टर, इवन कहूँ कि सारे करैक्टर इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं, इसकी डायरेक्शन बहुत बढ़िया की गई है, हमें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, डायलॉग जैसे ह्यूमर है इसके अंदर वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और एक साथ में जो इसमें पड़ोसी का रोल दिखाया गया बिट्टू की मम्मी ऐसे करके वो बहुत अच्छा है, जैसे उसका बिहेवियर है बार बार घर में आ जाना, कुछ ना कुछ मांग के ले जाना और धक्के से चिमट के रहना अपने ही पड़ोसियों के साथ, लेकिन ये जितनी इरिटेटिंग है बहुत ज़्यादा मददगार भी हैं, जैसे इसमें देखने को हमें मिलता है मुसीबत आने पर ये लोग मदद भी करते हैं। हम भले ही कह दें कि यार जो पड़ोसी हैं वो बहुत खराब है, लेकिन एक जो मुसीबत का टाइम आता है ये हेल्प भी करने आते हैं, जैसे इसमें एक बात बोली जाती है हमें सुनने को वो मिलता है, बहुत अच्छी लगी कि इसमें रियलिस्टिक चीजें हमें देखने को मिली हैं। और जैसे एक मिडिल क्लास के अंदर छोटी छोटी खुशियां कितनी ज्यादा मायने रखती हैं, छोटी सी खुशी आएंगी, कोई कोई पास हो जाए, किसी के अंदर नौकरी लग जाए, तो वहां पर उनको लेकर उसमें त्योहार जैसा माहौल बन जाता है,
वो वास्तव में होता है और वो चीज मैंने फील की हुई है, तो इससे रिलेट करने मुझे काफी ज्यादा मजा आया है, बहुत अच्छी लगी है मुझे ये। और जहां पर ये सीरीज हमें इमोशनल करनी चाहिए थी, जैसे इसकी अपील होती है कि भाई यहाँ पर ऑडियंस को हमें इमोशनल करता है, और डेफिनेटली ये इमोशनल करके जाती है। मतलब वो एक पल जो माता पिता के साथ एक बच्चा जैसे बिहेव करता है और उनको कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, जैसे उनके बीच में टकरार आ जाती है, लेकिन बाद में जैसे उसको एहसास होता है, ये सब चीज हमें देखने को मिलती है ना, हम कहीं ना कहीं वो फील कर रहे होते हैं यार ये बहुत रियलिस्टिक है और बहुत ज्यादा इमोशनल है, हम कहीं ना कहीं हमारी आंखें उसमें नमी हो जाती हैं। और इतना बढ़िया डायरेक्शन, इतनी अच्छी रियलिस्टिक चीजें हमारे सामने रखना, उसके ऊपर सोने पर, मतलब सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। जितने भी इसमें करेक्टर हैं जिनको प्ले किया गया है, बहुत ईमानदारी से सभी कलाकारों ने, मैं कहूंगा कि 100% से भी ज्यादा अपना मतलब पोटेंशियल इसके अंदर दिया है, बहुत बढ़िया लगा है। उनको देख कर ऐसा लगा कि कोई यार ये मतलब कि इमेजिनेशन नहीं है या फिर कोई एक्टिंग नहीं है, बहुत ज्यादा रियल हो रही है, हमारे सामने ये सब चीजें हो रही हैं। ये जो लड़ाई है या फिर ये जो डायलॉग है वो बहुत बार हम हमारे घर में सुनते हैं, इसीलिए हम इससे बहुत ज्यादा रिलेट भी कर पाते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में बहुत बढ़िया है, जैसे इसके अंदर तीन प्ले हमें देखने में तो वो बहुत अच्छा हमें लगता है, दो भाइयों की लड़ाई, दो मियां बीवी की आपस में लड़ाई, आपस में बैठना, मिलजुल के घर परिवार को आगे चलाना, कैसे जिम्मेदारी का एहसास होता है, ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती हैं। देखो अगर हर चीज के बारे में इसमें मैं बात करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी, तो इतनी वीडियो देखकर तो इतना समझ में आ गया होगा कि तीनों सीजन काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आप लोगों ने ये सीजन देखे हैं, मतलब कि तीनों के तीनों, तो प्लीज कमेंट करना कि आपको कैसे लगे। मेरी तरफ से तो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 star। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देखो ये सीरीज, ये मतलब कि ये वीडियो तो समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।